जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए गोवर्धन पूजा कैसे करें और इसका क्या मूल उद्देश्य है। गोवर्धन तो सभी को मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था अपनी उंगलियों पे गोकुल को बचाने के लिए। तीर्थ यात्रा के समय गोवर्धन पर्वत पर जाएं या गोवर्धन को प्रणाम करें, गोवर्धन की प्रतिमा, इनकी पूजा दीपावली के दूसरे दिन गाय के गोबर से एक मनुष्य आकृति बनाई जाती है या एक पिंड बनाया जाता है गाय के गोबर का। उसकी प्रतिमा बना करके औरतें, पुरुष, बच्चे सभी उनकी पूजन करते हैं। रात्रि में लक्ष्मी कुबेर के पूजन करने पर सरसों के तेल का जो दीपक जलाते हैं, अगर कुछ तेल बच जाता है तो उसी दीपक के तेल तेल के दीपक से गोवर्धन की पूजा करते हैं। ऐसा जगह जगह पे है। लक्ष्मी गणेश की पूजन करने पर रात के समय लक्ष्मी की जो पूजन करने में हम तेल का प्रयोग करते हैं, जो तेल बच जाता है उसी से हम गोवर्धन की पूजा दूसरे दिन करते हैं। दूसरे दिन उस दिन दीपावली के सुबह यानी 28 तारीख को सोमवार के दिन गायों को स्नान करा के और उनके उनको आराम से बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे उनकी शिंगे रंगना, हल्दी से, पुट्ठों से उनको सुंदर बनाना और उसके बाद गाजे बाजे के साथ गायों की लोग पूजा करते हैं और दौड़ाते हैं, माने गांव में घुमाते हैं, उनका दर्शन भी करते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा है कि बड़े पत्थर को लेकर के गोवर्धन की आकृति मान करके बैलों के द्वारा खींच करके गांव को परिक्रमा किया जाता है गांव की सुरक्षा हेतु। इस दिन जब हम गोवर्धन की पूजन करते हैं तो गोवर्धन के लिए विशेषतः जो संकल्प किया जाता है गोवर्धन पूजन में, वह आप संकल्प की पूरी विधि तो जानते ही हैं, वहां तक हम नहीं बोल रहे हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण इत्यादि सब आप बोल लीजिए। कहते हैं कि मम श्री कृष्ण प्रीति द्वारा सकल कामना सिद्ध्यर्थे अखिल पाप क्षय पूर्वक पूर्वकम कोटिशो धेनु प्राप्ति पुष्टि आयु क्षेम आदि प्राप्ते भगवान श्री गोवर्धन सहित गोपाल पूजनम च करिष्ये। आप जो जल लिए हैं, संकल्प लिए हैं, छोड़ दीजिए और गुरु की व गणपति की का स्मरण करके भगवान गोवर्धन यानी गोपाल जी को प्रणाम करें। ओम बलिराज्यो द्वारपालो भवानः भव प्रभो निजवाक्यार्थनार्थाय स गोवर्धन गोपतिः। श्री गोवर्धन नाथ युक्त गोपालम आवाहयामि अस्थापयामि। भगवान गोवर्धन को स्थापित करें और जो आपने किया है, गाय के गोबर का पिंड बनाया है या मनुष्याकृति गोवर्धन को बनाया है, आप उनकी खोड़सोपचार से धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करके आप भगवान कृष्ण का आरती कर लें, जो भी आरती आपको प्रिय है भगवान कृष्ण की। उसके बाद आप भगवान गोवर्धन से प्रणाम करें। गोपाल मूर्ते विश्वेश सक्रोत्सव विभेदक गोवर्धन कृतच्छत्र पूजा मे हर गोपते। गोवर्धन धराधर गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहु कृतच्छाय गवाम कोटि प्रदुभव। समय था जब हम गोवर्धन की पूजा और गायों की पूजा करते थे। आज
गौ हत्या, गौ को छोड़ देना, केवल दूध पीना, और बाकी गाय को जब दूध पी लिया, जब दूध नहीं दे रही छोड़ देना, ये एक सबसे बड़ा पाप का कारण है। हम अपना कल्याण चाहते हैं, परंतु प्रकृति के साथ हम अकल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। तो गोवर्धन पूजन इस समय बहुत बड़ा उद्देश्य का कारक है। अगर कोई करता है, गायों के संरक्षण करना, संवर्धन करना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। साथ में पर्वतों का भी ध्यान रखना, वनादि संपत्तियों का, अन्यथा कुछ दिन बाद यह हमें, अगर हम इनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो ये मुझे सुरक्षित नहीं रहने देंगे, आगे आने का जो हमारा मार्ग होगा वह बंद कर दिया जाएगा। मनुष्य जाति के लिए खतरा जो उत्पन्न होता जा रहा है वह है हम जब जंगलों को, गायों को क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसका नतीजा हमें समय के साथ देखने को अवश्य मिलेगा। जय श्री राधे।